हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्वीटी ब्लॉग्स। वेल, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी सबसे अलग पहचान बना ली। ही इज नन अदर देन आवर वेरी ओन SSR, यानी सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत भले ही आज हम सब के बीच में नहीं हैं, पर उनकी इस शानदार जर्नी को कोई भुला ही नहीं सकता। उनकी मौजूदगी आज भी हम सब के साथ, हम सब के दिलों में है, उनकी फिल्मों, गानों और इंटरव्यूज के थ्रू। सो चलिए एक नज़र डालते हैं हम सब फेवरेट SSR की अमेजिंग जर्नी पर। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म हुआ था 21 जनवरी 1986 में पटना, बिहार में। उनके फादर का नाम कृष्ण कुमार सिंह और माँ का नाम उषा सिंह है। उनके डैड एक रिटायर्ड टेक्निकल ऑफिसर थे और बिहार स्टेट हैंडलिंग कॉरपोरेशन पटना में काम करते थे। 5 भाई बहनों में सुशांत सबसे छोटे थे और उनको प्यार से उनके घर वाले गुलशन बुलाते थे। उनकी बहन नीतू एक स्टेट लेवल की क्रिकेटर रह चुकी हैं। सुशांत की स्कूलिंग सेंट केरन्स हाई स्कूल पटना में हुई थी। उनकी माँ की डेथ के बाद उनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई इन 2022। सुशांत को बुक्स पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था, स्पेशली एस्ट्रोफिजिक्स के रिलेटेड। ही ऑल्सो वन नेशन ओलंपियाड इन फिजिक्स। ही सिक्योर एडमिशन इन द दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, लेटर रीनेम्ड दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, टू परस्यू अ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उनको पर्सनली इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट उनके फैमिली वालों के प्रेशर में ही उन्होंने इंजीनियरिंग को परस्यू किया। सुशांत का सपना था एक एस्ट्रोनॉट बनने का और बाद में एयरफोर्स पायलट भी बनने का इरादा था। और क्योंकि SSR शाहरुख खान के बहुत बड़े फ़ैन थे, तो एक्टिंग के तरफ भी उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। इंजीनियरिंग करते वक्त सुशांत ने शामक दावर के डांस क्लासेस को भी ज्वाइन किया था और बाद में एक्टिंग क्लासेस भी अटेंड करने लगे थिएटर डायरेक्टर बैरी जॉन के अंडर। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को स्टार्ट करने के लिए अपने इंजीनियरिंग कोर्स को बीच से ही ड्रॉप आउट कर लिया। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से फिर उन्होंने मुंबई में थिएटर ज्वाइन करने का डिसाइड किया। करियर की शुरुआत उन्होंने हिंदी टीवी शो के जरिए किया। उनका पहला सीरियल था किस देश में है मेरा दिल इन द ईयर 2008। उस शो के बाद ही गॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल इन हिज करियर, पवित्र रिश्ता, जिसमें ही प्लेड द लीड रोल एज मानव ऑपोजिट टू अंकिता लोखंडे, who played the role of Archana. 2009 से 2011 तक he was a part of this successful show. इस शो के बाद he got a break in Bollywood through Kai Poche movie in the year 2013. This movie was a big hit both critically and commercially. उसके बाद he got a role in movie Shuddh Desi Romance in 2013 against Pariniti and Bani Kapoor, followed by Byomkesh Bakshi, Rabta, Son Chiraiya and Drive. He kept working consistently in variety of movies and अपना acting का जलवा audience के सामने दिखाते रहे। PK movie में भी सुशांत सिंह ने supporting role किया था with अनुष्का शर्मा। But SSR को असली fame मिला MS धोनी के biopic movie से, जिसने उनको अपने fans के बीच में हमेशा के लिए एक अलग जगह दे दी। धोनी के character को पर्दे पे सुशांत ने जिस शिद्दत और dedication के साथ उतारा, उसे लोग आज भी याद करते हैं। धोनी मूवी के गाने भी सुपरहिट रहे और ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। केदारनाथ मूवी में भी सुशांत ने सारा अली खान के साथ अपनी अमेजिंग एक्टिंग स्किल्स को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया। द मूवी वॉज बेस्ड ऑन उत्तराखंड फ्लड्स इन 2013। ही प्लेड द कैरेक्टर ऑफ मंसूर, अ मुस्लिम पॉटर हु वॉज ऑल्सो डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा एंड हुज लाइवलीहुड रिवॉल्व्ड अराउंड द शिवा टेम्पल एट केदारनाथ। Apart from acting, he was the founder of a non-profit organization and has been credited as the co-founder of a technological startup. On 2 May 2018, Rajpoot was inducted as a partner in a company named Insai Ventures, which was founded on 26 April 2018, following which he was appointed as one of its 3 directors, the others being Varun Mathur and Saurav Mishra. Rajpoot and Mathur were credited as the co-founders and set to make an investment of ₹300 crore to ₹341 crore in the company.
सुशांत को स्टार्स देखने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। ही ऑल्सो हैड अ टेलीस्कोप जिसके थ्रू वो अक्सर आसमान को देखते रहते थे। फिलोसॉफी के बुक्स पढ़ना, साइंटिफिक इन्वेंशंस की नॉलेज रखना, इन सब चीज़ों में सुशांत को काफ़ी फैसिनेशन था। ही वॉज नॉट अ टिपिकल बॉलीवुड एक्टर। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, क्रिकेट, आर्चरी एंड लॉन टेनिस का भी सुशांत को काफ़ी ज़्यादा शौक था। ही वॉज एन एब्सोल्युटली मल्टी टैलेंटेड पर्सन जिसको किसी ना किसी न्यू एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व रखना बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड थे और हमेशा अपने गोल्स को फुलफिल करने में बिलीव करते थे। ही वॉज एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल एंड वो अक्सर शिव जी के और कृष्ण जी के भजन भी गाते थे टू गेट मेंटल पीस, और वो वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी होते थे। सुशांत सिंह राजपूत हैड 150 ड्रीम्स दैट ही ऑलवेज वॉन्टेड टू फुलफिल। ही हैड मेड अ लिस्ट ऑफ 50 ड्रीम्स फ्रॉम द 150 एंड हैड शेयर्ड इट ऑन सोशल मीडिया। सुशांत सिंह राजपूत रिसीव्ड स्कॉलरशिप ऑफर टू जॉइन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन USA, वेयर पीपल लाइक लैरी पेज, मुकेश अंबानी वेयर वेल नोन अलमनस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। But he rejected and followed his passion by dropping from college and joined Shamik Dawar's dance troupe. Year 2010 mein Sushant ne Raaz 2 movie mein bhi batour assistant director kaam kiya. Astronomy ke bare mein padhna Sushant ko kafi zyada pasand tha. He was extremely fond of knowing about universe and planets. MS Dhoni movie ke shooting ke time Sushant ne helicopter shot ko 225 times per day practice kiya for 9 months. That was his level of dedication and passion towards his craft. Wo ek laute aise Bollywood actor the who got chance to feature with Kendall Jenner in Vogue's photoshoot May 2017 edition. One of the very few actors around the world to own a Boeing 737 simulator, which is often used to train pilots to handle Boeing models. Sushant Singh Rajput even been a member of International Lunar Land Registry for 3 years. He was about to visit International Space University, France, but other priorities made him to cancel that time from visiting there. He was a strong believer of STEM education, that is science, technology, engineering, mathematics. Sushant ek extraordinary writer bhi the. He used to run a Twitter account known as The Book Club for avid readers. He often used to recommend which books one can read if he's interested in a particular topic. Unfortunately, June 2020 mein Bandra Mumbai mein apne hi ghar mein Sushant dead paaye gaye, aur aaj bhi unke death ka asli reason ek mystery ban ke reh gaya hai. Kuch logon ka ye manna tha ki ye ek pre-planned murder tha, but bahut se logon ka ye bhi kehna tha ki ye suicide hai. Well, reason kuch bhi raha ho, it was a huge loss for film industry and humanity. He was a beautiful soul. Unki last movie Dil Bechara ko release kiya gaya year 2020 mein Hotstar pe. The Narcotics Control Bureau claimed Rajput had been using various people to obtain drugs since 2018 and filed abetment charges against them. Well, Sushant ke death ko lekar media houses mein bhi kafi behas aur arguments dekhne ko mili, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। आज भी ट्विटर में अक्सर जस्टिस फॉर सुशांत हैशटैग ट्रेंड होता रहता है, विच शोज द इमेंस लव दैट फैंस हैव टुवर्ड्स हिम। वीडियो एंड करने से पहले आई वांट टू शेयर माय ओपिनियन विद यू गाइस। जब कोई इंसान जिंदा होता है तो उसकी फेलियर्स पे और वीकनेसेस पे अक्सर लोगों को हंसने में या फिर उस इंसान का मजाक उड़ाने में मज़ा आता है, बट वही इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो क्यों लोग प्यार का, केयर का और कंसर्न का दिखावा करते हैं? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि कोई इंसान ज़िंदा रहते हुए भी हम उसके लिए उतना ही इम्पोर्टेंस फील करवाएं या फिर उसको उतना ही प्यार दे, ताकि वो कभी डिप्रेस ना हो और उसमें कभी सेल्फ डाउट ना आए। वी ऑल नो दैट सुशांत ने भी बीच में एक ऐसे ही फेज़ का सामना किया था जब उनको डिप्रेशन हुआ था। ऑडियंस उसको ट्रोल करते थे एंड उसके फ्लॉप फिल्मों को लेके उसे ह्यूमिलिएट भी करते थे। लेट्स स्टॉप दिस, दैट्स व्हाट आई फील, लिव एंड लेट लिव। आई होप SSR की ये जर्नी वीडियो आप सबको पसंद आई हो। डू शेयर, लाइक एंड कॉमेंट योर फीडबैक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल स्वीटी ब्लॉग्स फॉर मोर सच कॉन्टेंट। स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।